मैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह सग्गू, डायरेक्टर GI मिनिमल एक्सेस एंड बेरियाटिक सर्जरी एट CK बिड़ला हॉस्पिटल पंजाबी बाग। आज हम बात करने वाले हैं कि ये डिस्पेप्सिया एक्चुअल में होता क्या है, इसका क्या इलाज है। प्रिवेंशन की बात करी हमने, लाइफस्टाइल चेंज की बात करी है, और अगर हमारे एंडोस्कोपी पे कोई स्टमक में कोई अल्सर है तो उसके लिए हम मेडिसिन से उसको ट्रीट कर सकते हैं। और एक चीज़ है, अगर आपको रिफ्लक्स हो रहा है सिम्टम का, और अगर आपका लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो वीक है, तो हम उसको आजकल साइंस इतनी बढ़ गई है कि लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से टाइनी होल्स करते हैं 3-4, उसी के थ्रू एक सर्जरी करते हैं जिससे उस वॉल्व को रिपेयर किया जाता है, नया वॉल्व बनाया जाता है, जिससे कि आपका रिफ्लक्स सिम्टम जो ठीक हो जाते हैं उसको हम लैप्रोस्कोपिक फंडोप्लिकेशन कहते हैं, उसको हम एंटी रिफ्लक्स सर्जरी भी कहते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको, किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। सोते समय आपका जो हेड एंड है वो थोड़ा सा ऊपर रखें ताकि रिफ्लक्स ना हो। इमिडिएटली खाने के बाद सोएं मत, थोड़ा वॉक करें। ये सब चीज़ों करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने फिजिशियन से मिलें, अपने आप को डायग्नोज कराएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। मैं आशा करता हूँ कि आज जो हमारा ये एकेडमिक वीडियोस था, जो नॉलेज हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आपकी इस किसी भी तरह की कोई क्वेरीज या कोई प्रॉब्लम या कोई आपको चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, हम आपके सारे आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमसे मिलना भी चाहते हैं तो आप CK बिड़ला हॉस्पिटल में आ सकते हैं और अपने डायग्नोज करवा के एटलीस्ट अपने आप की आप ट्रीटमेंट प्रॉपर ले सकते हैं। थैंक यू।